अभी हम लोग अभ्यास 3 क्रियापदानी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को कैसे पद बनाते हैं और कैसे उसके फॉर्मूलाज आपने सीखे। आज कुछ एक्सरसाइजेस हैं। जैसे समीरा जनन्या समीपं व्रजति वदति च वर्तमान क्रियापदानि स्थाने भूतकालस्य युग्मं क्रियापदं निकटः। अब बोल रहा है कि इसको भूतकाल में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट प्रेजेंट टेंस वर्ड समीरा जनन्या समीपं व्रजति वदति च। ये कौन सा टेंस है? व्रजति वदति, ये कहाँ से आया? ये लट लकार का प्रेजेंट टेंस का है। समीर जननी के पास, अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है। इसको बोलना है कि गया और बोला। समीर सेम रहेगा, जनन्या समीपम। अब व्रजति लट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसको लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? अ वाला वर्ड अव्रजत, अव्रजत अवदत च हो गया पास्ट टेंस में कन्वर्ट। वयम तु मेघजलम एव पिबामः। वयम तु मेघजलम एव पिबामः। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। वयम कहना बहुवचन है। इसको लंग लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन में देखो क्या है। वयम तु मेघजलम एव अपिबामः। इसमें विसर्ग नहीं होगा, अपिबामः। स्टार्टिंग में याद किसी को नहीं रहता है, देख के पहले प्रैक्टिस करो। देख के इसको बताओ, देख के बोलो, देख के लिखो, फिर बाद में धीरे धीरे खुद याद हो जाएगा। खुद पहले लर्न करो कि लग लकार का रूप क्या है। मन में बोले व्रजति, पठति पठत पठन्ति। अब यहाँ पे बोला कि अव्रजामि व्रजामि व्रजावः व्रजामः। कहाँ से आया? नीचे वाले लाइन में आया। उसमें अव्रजत अव्रजताम अव्रजन अव्रजम अव्रजम अव्रजामः ये निकला है वहां लास्ट में, तो यहाँ की जगह ये पुट कर दिए। तटाक जलम तु पातुम गच्छामि। तटाक जलम पातुम गच्छामि। तटाक जलम पातुम अगच्छम्। तप घनसूत्रम तत्र त्यजामि। तम घनसूत्रम, घन से भरा हुआ थैला, तत्र
यजामि। धनसूत्रम् तत्रैव अत्यजम्। अहम् तु पुराचारम् न पालयामि। पालयामि का क्या हो जाएगा? अपालयम्। पालयामि का अपालयम्। पालयामि ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस। अपालयम। तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अपालयम्। भूतकाल से क्रियापदम अनुरूप भविष्यकाल से क्रियापदम लिखो। भूतकाल के बदले भविष्यकाल का लिखना है। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो वर्ड है बाकी वर्ड वैसे ही रहेंगे। हाँ, चिंतयत की जगह आपको लिख देना है चिंतयिष्यति। सदर्पम अवदत्। सदर्पम अवदत है, अवदत। वदिष्यति। तीसरे में है उदाहरण उन्नानुसारम रूपम परिचयम कार्यत। जैसे अब ध्यान में बुध धातु परस्मै पद प्रेरक है स्तंभकार। जैसे तीसरा में है वर्ड अबोधयत, तो इसको फाइंड करना है कौन सी धातु है। तो बुध धातु है
रंग लगाते हैं। परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन रवि सती प्र उपसर्ग विश्व धातु लट लकार परस्मै पद अन्य पुरुष एकवचन अपिवस का धातु लंग लकार परस्मै पद अन्य पुरुष एकवचन प्रणमति प्रणम धातु प्रणमति प्र उपसर्ग नम धातु लट लकार अन्य पुरुष एक वचन परस्पर पद वदति वद धातु वदन्ति एंड गमिष्यामः वद धातु गम गम धातु परस्मै पद परस्मै पद लकार ये लिट लकार भविष्य काल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया, ये बहुवचन बहुवचन गमिष्यामः गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यावः ये भी बहुवचन। ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष और ये उत्तम पुरुष अभी अधोलिखित वाक्यु प्रयुक्त स्म प्रयोग से स्थान सकुत काल से मन्य मन्यते स्म अमन्यते ये सारी बातें हमने आपको समझाई हुई है बीच में, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है।
अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि सभी में स्म प्रयोग करके, स्म यूज स्म एंड कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस। मन्यते स्म, आप पूरा लिखना सेंटेंस, केवल चेंज कहाँ करना है मन्यते स्म में करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसलिए मैं पूरा नहीं, छात्रा स्वात्मानव धन्ने मन्यते स्म, मानता था तो अमन्यते, अमन्यते। एट द प्लेस ऑफ on the at the place of asma right past tense form of verb। ये है क्वेश्चन। आगच्छन्ति स्म, आगच्छन्ति स्म, आगच्छन् आगच्छन् आगच्छन्ति है ना। प्रचलति स्म, प्रचलति भवति स्म, भवति स्म, अभवत् कथयति स्म, कथयति स्म, अकथयति। इसी को चेंज करके भी दे देता है, कभी क्वेश्चन में आएगा कि ये लंग लकार का रूप है, पास्ट टेंस का रूप है, इसको यूज स्म एंड कन्वर्ट द वर्ड, तो इसको हम लोग वर्तमान काल में बदल के और इस्मा जोड़ देते हैं। वर्तमान काल का रूप लिया है, अमन्यत कहाँ का है, लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में मन्यते हो जाएगा और उसमें इस्मा जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग सेम हो जाएगा। प्रचलति गच्छति इस्मा, आगच्छन कहाँ का रूप है, थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो यहाँ भी ले लेंगे अन्य पुरुष का बहुवचन लट लकार में आगच्छन्ति, उसमें स्म जोड़ देंगे तो ये पास्ट टेंस का रूप बन जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड, वेरी क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। फिफ्थ वाला नहीं दिख रहा है, उधर लिख देती हूँ।
अकथ्यत। अभ्यास चार, विदंत प्रधानी। ये प्रत्यय के अंतर्गत आता है विदंत प्रधानी कृत, जिसके अंत में है, अंत में कृत प्रत्यय आता है, वो विदंत प्रधानी कहलाते हैं। ये दो हैं संबंध संबंधक भूत विदंत, संबंध यहाँ पे प्रत्यय क्या आया, कत्वा प्रत्यय अनियर प्रत्यय। ये जो है धातु है, ये धातु है, प्रत्यय का नाम कत्वा। जाकर, जा करके, पढ़ करके, पठित्वा पढ़ करके, हसित्वा हंस करके, अनुभूय अनुभूति करके। तो यहाँ कत्वा प्रत्यय और अनियर प्रत्यय जो है ये संबंध भूतक है, विदंत में संबंध भूतक में कत्वा और अनियर आया। और उधर आ जाएगा करने के लिए, जाने के लिए, गंतुम पठितुम, यहाँ पे आ जाएगा गंतुम। Thank you.
गम धातु अनुभूय में अनियर प्रत्यय है। हेतुवत् कृदंत प्रत्यय जाने के लिए, हेतु हेतु का मतलब ये होता है के लिए, संबंध मतलब जाकर, जाके काके की लगा हुआ है उसमें। संबंध, संबंध का मतलब ही होता है काके की। काके की है ना, और यहाँ हेतु अर्थ हेतु का मतलब ही होता है, हेतु का मतलब ही होता है के लिए। तो ऐसे अर्थ में गंतु, उदाहरण जैसे कि गत्वा, पठित्वा, हसित्वा, भुक्त्वा, यहाँ पे त्वा वाले आ जाएंगे त्वा, तो वहां से फाइंड कर लेना है कत्वा प्रत्यय। यहाँ पे हेतु तुम, तुम जैसे बड़ा गंतुम, पठितुम, हसितुम, खेलितुम, गंतुम, भोक्तुम, तो इस तरह तुमुन प्रत्यय वहां फाइंड हो गया। एक्सरसाइज इसके हैं गत्वा, पातुम और रक्षितुम समागत्य। अब जैसे गत्वा दिया है, मान लो गत्वा, तो आप इतना भी लिख देंगे गम धातु और कत्वा प्रत्यय है यहाँ पे। ये कौन सा है, जाने के लिए, गत्वा जाकर, तो जा के हो रहा है, के कहाँ से आया, संबंध, संबंध भूत इधर। पातुम पढ़ने के लिए, पट प्लस तुमुन हेतु है यहाँ पे, के लिए हेतु मतलब के लिए, हेत्वर्थ कृदंत। रक्षितुम रक्षा के लिए, हेत्वर्थ कृदंत। समागत्य जाने के लिए, जाकर तो संबंध, हेत्वर्थ कृदंत। संबंधक भूत कृदंत। क्लियर है,
अवलोक्य, यहाँ पे अव उपसर्ग है, दृश्य धातु है और लेप प्रत्यय है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन संबंध और ज्ञातुं जाने के लिए हेतु है। हेतु अर्थ विहस्य, हंस कर, संबंध बुद हंस के है ना, काके की तो संबंध बुद लेवत कृदंत, जैसे वी उपसर्ग हो गया हस धातु और लेप प्रत्यय विहस्य, इसमें भी क्या आ गया वी उपसर्ग हस धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय ये भी संबंध हो गया, संबंध भूत इधर पराजय, तुम पराजय के लिए हेतु अर्थ छंतुम, छम प्लस तुमुन, थर्ड में देखो थर्ड का पहला छंतुम, छम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, वी हाय वी प्लस हा प्लस लेप प्रत्यय, तीसरा परित्यज्य, परित्यज्य परि प्लस त्यज प्लस लेप, चौथा गंतुम, गंतुम गम प्लस तुमुन, पांचवा उपसृत्य, उपसृत्य नजदीक जाकर, उप धातु श्री, उप उपसर्ग श्री धातु और लेप प्रत्यय, छठा गृहीत्वा, छठा गृहीत्वा ग्रह धातु या गृह धातु दोनों में से कुछ भी हो सकता है और कर्त्वा प्रत्यय, हा गृहीत्वा चौथा में है कोई कोष्ठकार क्योंकि पदम रेखा के पदम परिवर्तन वाक्य प्रवृत्ति सिद्धार्थ दुखम अनुभवती संसारम परित्यजति, सिद्धार्थ दुखम अनुभूय संसारम परित्यजति,
चौथा में है सिद्धार्थ दुःखम अनुभवति संसारम परित्यजति। सिद्धार्थ दुःखम अनुभूय संसारम परित्यजति। मार्गः जलं पातुम् इतः ततः धावति। मृगः जलं पातुम् इतः ततः धावति। मृगः जलं पानाय इतः ततः भवति। दिशा पठनाय विद्यालयं गच्छति। पठनाय क्या हो जाएगा? पठितुम। दोनों का सेम अर्थ है पठितुम, बाकी वर्ड वैसे ही रहेंगे। समझ आई ना बात? जहां यहां ये वर्ड है इसकी जगह ये वर्ड कर देना है, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे रहना है। शिशुवा गृहम आगमनाय यतन्ते। आगमनाय आने के लिए, आगमनाय आगमनाय का क्या हो जाएगा? आगंतुम। आगंतुम दोनों का सेम मीनिंग है। आगमनाय आने के लिए, आगंतुम प्रविशति प्रवेश करते। गुहा प्रविशति गुहा में प्रवेश करता है। प्रवी तो यहाँ क्या है? प्रविश्य 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 शयनम करोति। गुहां प्रविशति एक शयनम करोति, चलो प्रविश्य शयनम करोति। पांचवा पांचवा में क्या है? जैसे पानाय पीने के लिए, तो क्या बोलेंगे? पातुम। पातुम को भी बोलेंगे पीने के लिए। दूसरा गमनाय जाने के लिए, तो क्या बोलेंगे? गंतुम। गंतुम का भी वही मतलब हो गया जाने के लिए। तीसरा दर्शनाय देखने के लिए, द्रष्टुम द्रष्टुम। चौथा पठनाय पढ़ने के लिए, तो क्या हो गया? पठितुम। पांचवा लेखनाय लिखने के लिए, लिखने के लिए, तो क्या बोलेंगे? लेखितुम। लेकिन तुम दोनों का सेम मीनिंग हो गया। टू राइट टू ड्रिंक टू